नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान की धूर्तता दक्षेस में राजनाथ के भाषण का प्रसारण रोका। पाकिस्तान ने उस समय धूर्तता की हद कर दी जब दक्षेस सम्मेलन में गुरुवार को भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भाषण मीडिया में प्रसारित नहीं करने दिया। राजनाथ इस समय पाक दौरे पर है। पाक की सरकार से यह साबित हो गया है कि वह भारत से संबंध सुधारने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। सम्मेलन में राजनाथ ने पाक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि भारत का पड़ोसी देश लंबे समय से आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। उन्होंने पूछा कि कोई आतंकवाद का महिमामंडन कैसे कर सकता है। दरअसल ऐसा कहकर भारत के गृह मंत्री ने बुरहान को शहीद बताने वाले पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को करारा जवाब दिया है। गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़ों को नहीं मिलेगा आरक्षण। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए करीब 3 माह पूर्व इसकी ओर से जारी गैर आरक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% के विशेष आरक्षण का प्रावधान करने वाले अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने गत 1 मई को गुजरात के स्थापना दिवस के मौके पर यह अध्यादेश जारी किया था। अमेरिका का पाकिस्तान को बड़ा झटका, नहीं मिलेगी $30 करोड़ की मदद। पेंटागन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $30 करोड़ की सैन्य मदद रोक दी है क्योंकि रक्षा मंत्री एशन कार्टर ने कांग्रेस को इस बात का प्रमाण देने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान खुंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस में प्रमाण पत्र के अभाव में पेंटागन ने गठबंधन सहयोग कोष के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली $30 करोड़ की मदद को रोक दिया है। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, उपराज्यपाल के पक्ष में कोर्ट का फैसला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में उस समय बड़ा झटका लगा जब अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार को आयोग के गठन का अधिकार नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख हैं। LG के पक्ष में फैसला देते हुए अदालत ने केंद्र के राज्य में हस्तक्षेप को सही करार दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार की इस दलील में कोई दम नहीं है कि उपराज्यपाल मंत्रियों की परिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है। दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 239AA का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें पावर केंद्र के पास होती है। पश्चिम बंगाल में वायुसेना का ट्रेनर जेट दुर्घटनाग्रस्त। वायुसेना का एक हॉक प्रशिक्षु विमान गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कलाईकुंडा वायु सैनिक अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के दोनों पायलट सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि उड़ान भरते समय विमान में तकनीकी खराबी आ गई और लगभग 11 बजे यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान वायु सैनिक अड्डे की बाउंड्री के भीतर ही गिरा और इससे जमीन पर किसी तरह के नुकसान की अभी खबर नहीं है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।